हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एन अजीब दास्तां। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष श्रुति के घर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसके मॉम डैड गए ही नहीं मंदिर। इससे वो काफ़ी अपसेट होते हैं और श्रुति से कहते हैं कि तुम आ रही हो या नहीं, मैं वेट कर रही हूँ। तो कहती है अच्छा रुको, मैं रेडी होती हूँ और आती हूँ। इतनी देर में उसकी मॉम उसे बुला लेती हैं, कहते हैं लो बुलावा आ गया आपका, जाइए निपटिए। तो कहती है बस थोड़ी देर में, बस अभी आई। जाइए थोड़ी देर। और ये कह के अक्ष फ़ोन कट करते हैं। तो श्रुति जाती है तैयार होने के लिए तो उसकी मॉम कहती है कि कहाँ। कहती है कि मुझे जाना है काम से बाहर। तुम्हें क्या काम है जो तुम्हें बाहर जाना है? यहाँ पे तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जिसके लिए तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत है, ये बताओ। कहती है मम्मी अब हर चीज़ आपको बता के तो नहीं करती ना मैं, आज से पहले भी नहीं कि मैंने आपको कभी हर चीज़ बता के, तो आज कैसे? और आपको हुआ क्या है, आप इस तरह बिहेव कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम जो सोच रही हो ना बेटा भूल जाओ, वो नहीं होगा। अक्ष से मिलने जा रही हो? कहती है नहीं मम्मा, मैं अगर उनसे मिलने नहीं जा रही, मुझे सच में काम है। तो कहते हैं कि क्या काम है, काम तो बताओ। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए। वो ना जॉब करती है ना कोई कोर्स कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, तो उसे सच में समझ नहीं आ रहा होता कि वो बताए तो आखिर क्या बताए। तो उसकी मॉम कहती हैं बोलो ना, अब मैं पूछ रही हूँ तो जवाब दो, चुपचाप अंदर कमरे में जाओ, कहीं नहीं जाना है तुम्हें, तुम्हें काम नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना, जाके अंदर चुपचाप बैठो, क्योंकि तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। तो कहती है मम्मा मैं उनसे मिलने नहीं जा रही हूँ, आप बात को समझती क्यों नहीं है? तो कहाँ जा रही हो मुझे बता दो, क्या काम है? तो कहती है मुझे निशा से काम है। अच्छा निशा तो कॉलेज गई है, तो उससे क्या काम पड़ गया तुम्हें? मम्मा मम्मा मैं क्या हर चीज़ बताऊँ आपको, कुछ हम फ्रेंड्स के पर्सनल चीज़ें भी हो सकती हैं ना। अच्छा तो एक काम करना, ये पर्सनल चीज़ें बाद में से मिलना, यहाँ पे घर पे आके फिर बात करना, जितनी भी आपकी ये पर्सनल बातें हैं घर आने के बाद भी हो सकती हैं। कहती है मम्मा आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। बेटा मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बहुत कम कर रही हूँ। तुम्हारे पापा अभी बाहर लॉन में बैठे हैं, अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम घर से बाहर जा रही हो निशा से मिलने, तो घर में तहलका आ सकता है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब श्रुति टेंशन में आ जाती है कि क्या करे। अक्ष बाहर वेट कर रहे हैं, तो वो अंदर आती है और अक्ष को कॉल करती है और कहती है कि सुनो। कहते हैं हाँ बोलो, आ रही हो? वेट कर रही हूँ। नहीं आ पाऊँगी। क्या मतलब नहीं आ पाऊँगी? एक्चुअली मम्मी को शक हो गया है कि मैं तुमसे ही मिलने आ रही हूँ। तो हो गया है तो नहीं आ सकती हो ना श्रुति, ये गलत बात है, पहले ही मना कर देना था ना, तुम्हारे चक्कर में मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ली है, तो मुझे थोड़ी ना पता था डियर कि नहीं आने को मिलेगा। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जानबूझ के नहीं आ रही हूँ।
अब मम्मी को हो गया डाउट, तो क्या करूँ मैं, आप बताओ, कोई भी बहाना कर दो। कहती क्या बहाना करूँ, किस बहाने से आऊँ बताओ, आप ही बता दो। अक्ष कहते हैं श्रुति तुम्हें देखने का सच में बहुत मन कर रहा है, पता नहीं क्यों बहुत अजीब अजीब लग रहा है, कल तुम्हें लग रहा था आज मुझे लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ ना। तो श्रुति कहती क्या बहाना बनाओ बताओ, पापा भी पूछेंगे अभी, बाहर लॉन में ही बैठे हैं। तो कहते हैं अक्ष कहते हैं कि ठीक है एक काम करो, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर में ही आ रही हूँ लेने। क्या कह रहे हो, दिमाग चल गया है क्या, घर में आ रहे हो लेने, दिमाग लग रहा है काम नहीं कर रहा आपका। हाँ नहीं कर रहा मेरा दिमाग काम, मेरे दिमाग में सिर्फ तुमसे मिलने का ख्याल चल रहा है, तो मेरा दिमाग कहाँ से काम करेगा। मिलेंगे ना, मैंने मना किया कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बट आज नहीं, मुझे आज ही मिलना है, मैंने ऑफिस से आज छुट्टी लिया तुम्हारे लिए। तो कहती है कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं कुछ कोशिश करती हूँ, आप पहुँचो वहाँ पे, पक्का आ रही हो ना, हाँ पक्का आ रही हूँ, आप पहुँचो वहाँ पे, मैं आ रही हूँ, तो मेरे साथ चल। नहीं मैं साथ में नहीं जाऊँगी, अगर मम्मी पापा ने देख लिया ना तो यहाँ से मुझे ले जाएंगे लंदन, वैसे भी वो जाने की कह रहे हैं मुझे कि साथ चलो, मैं जा नहीं रही इसलिए वो लोग भी नहीं जा रहे हैं। ये तुम्हारे पापा को बिजनेस बिजनेस नहीं करना है क्या, जब देखो इंडिया आगे बढ़े रहते हैं। अक्ष क्या बोल रहे हो आप, तमीज़ में बात करो थोड़ा यार श्रुति, आई एम सॉरी बट उनका भी तो काम है ना, देखो यहाँ आके पड़े रहते हैं, काम क्यों नहीं करते जाके अपना, बिजनेस लॉस नहीं हो रहा उनका, वो तो संभाल लेंगे, उसकी टेंशन तुम मत लो। अरे यार मैं टेंशन ना लूँ तो कौन लेगा, कल को जो है बिजनेस उनका बेकार हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे नाम कर देंगे, तुम ही उनकी इकलौती लड़की हो, और फिर वो बेकार सा बिजनेस मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसे दोबारा खड़ा करने के लिए। हाँ तो श्रुति हंस पड़ती है, कहती ओह मेरे पापा अपना बिजनेस आपको दे देंगे, हाँ तो तुम ही तो उनकी इकलौती लड़की हो, तो तुम ही को तो देंगे, और कैसे देंगे, अब तुम्हें देंगे तो वो तुम तो करोगे नहीं ना, काम तो मुझे करना पड़ेगा, अब बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो काम मैं कैसे करूँगी, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो भाई मुझे तो टेंशन लेनी पड़ेगी ना, उनसे कहो जाएं और काम दाम देखें, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, वो मुझे तुमसे मिलने से रोक नहीं पाएंगे, समझाओ उन्हें, अगर मैं अपने ब्याह गई तो मैं उनके सामने आके मिल के जाऊंगी। अक्ष क्या कर रहे हो आप, और क्या यार मेरा बिजनेस खराब कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे, वहाँ लॉस हो रहा होगा, उन्हें जाओ बोलो जाओ अपने लंदन जाओ और अपना बिजनेस संभालो, ग्रोथ करो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। कहती है आपको क्या टेंशन है, बिजनेस जो है आगे बढ़े या ना बढ़े, नहीं आपको क्या टेंशन है, अरे तो अभी तो मैंने तुम्हें बताया है कि मुझे क्या टेंशन है, कितनी बार बताऊं। अक्ष सच में, हाँ तो मैंने तो शादी तुमसे इसीलिए की थी, जब मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है तभी तो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कही थी, तुम्हें पता ही नहीं है ये बात, ओहो। अक्ष बहुत हो गया मजाक, बस कर जाइए।
अरे मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में कह रही हूँ। अब इतनी बड़ी आसामी हो आप तो ऐसे कैसे छोड़ देती मैं तुमको है? नहीं छोड़ सकती थी ना। अक्षय आप पिट जाएंगे मुझसे, आप पीट लो चाहे जो कर लो, जो सच है हमने तो आपसे बस वही कहा है। अब इसीलिए तो तुमसे शादी की। मैं नहीं आ रही आपसे मिल। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैं मजाक कर रही थी, सच में मजाक कर रही थी। तुम्हें सच में लगता है मैंने तुमसे शादी इसलिए की है? अब क्यों इस तरह की मस्तियाँ करते रहते हो? देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना। बात भरोसे की नहीं, आप ऐसे टाइम पे एक तो मेरा मूड खराब हो रहा है और ऊपर से आप इस तरह की बातें कर रहे हो। अरे मेरी जान, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं चाहिए मुझे। अगर वो अपना बिजनेस तुम्हारे नाम भी कर देंगे ना तो तुम ही चलाओगी, उसमें से एक रुपये भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। टेंशन मत लो तुम। हम ये क्या बातें लेके बैठे हैं? दक्ष कहते हैं हाँ सही बात है, हम ये क्या बातें लेके बैठे हैं? तुम फटाफट निकलो घर से, इंतज़ार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। चलो 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 चलो, चलो, चलो मैं फ़ोन रख रही हूँ, फटाफट तैयार हो। अब जो भी बहाना करना है करो, वो फटाफट मुझसे मिलने आ जाओ। अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, तुम्हें देखने का मन कर रहा है। अच्छा हाँ, बहुत ज़्यादा देखने का मन कर रहा है यार। इतनी देर से यही तो कही जा रही हूँ, अब मूड मत खराब करो, चलो जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, फ़ोन तो रखिए और आप पहुँचिए, मैं आती हूँ, जल्दी आना। हाँ ठीक है। ये कह के अक्ष कॉल कट कर देते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जहाँ दोनों को मिलना होता है वहाँ पहुँचते हैं और श्रुति का वेट करने लगते हैं। श्रुति सोच रही होती है कि अब क्या किया जाए, कैसे कौन सा बहाना लगाया जाए, कैसे जाया जाए। तो वो निशा को कॉल करती है, निशा फ़ोन उठाती है, कहती हाँ बोल यार, मुझे तेरे हेल्प की ज़रूरत है। किस लिए? कौन सी हेल्प? वो ना मुझे अक्ष से मिलने जाना है। तो मैं क्या करूँ? बात तो सुन ली, बोलो। मुझे अक्स से मिलने जाना है और मम्मी निकलने नहीं दे रही हैं, तो तू कुछ बहाना कर देना। अच्छा तुम्हें अक्स से मिलने जाना है तो मैं बहाना कर दूँ? प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अच्छा 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 अच्छा, तेरे लिए? और तो क्या लगती है मेरी जो मैं तेरे लिए इतना करूं? ये भी बता दो कि आप मेरी क्या लगती हैं यार, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अच्छा तो जब आप अक्स से छुप 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 के मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, उनके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेल खेल रहे थे, एक नए तरीके से ज़िंदगी को जी रही थी, तब अपनी इस बेस्ट फ्रेंड की याद नहीं आई? मैं पूछ पूछ के थक गई थी कि कौन है तू, अक्ष को इतनी जल्दी कैसे भूल गई, तभी बेस्ट फ्रेंड याद नहीं है? आज मम्मी पापा मिलने नहीं जाने दे रहे तो आज ही बेस्ट फ्रेंड याद आ रही है? वाओ हाउ मीन यू आर। आई एम सॉरी ना निशा, उस समय सिचुएशन अलग थी। क्या सिचुएशन अलग थी? अगर तूने मुझे तभी बताया होता तो शायद अंकल आंटी यहाँ आते ही नहीं, मैं तुझे आराम से जो है मिलवाती, तू आराम से मिल सकती थी, कोई टेंशन ही नहीं होती। लेकिन तूने तो मुझसे छुपाया ना, तो अब मत सोचना भी मत कि मैं मिलवाऊंगी। समझ में आया तुझे? जैसे मिलना है वैसे मिलो, मुझसे उम्मीद मत करना यार, प्लीज़ ना। देख गलती हो गई मुझसे, एक गलती तो सब माफ़ कर देते हैं,
मुझे पता है मुझे तो उससे नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन बस उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मुझे लगा तुझे बताऊंगी तो मम्मी पापा तक बात ना पहुंच जाए। सच में? ओफो, अब तो पहुंच गई ना। अब तो तुझे जो करना है कर। उस समय तेरी बेस्ट फ्रेंड मर गई थी, उस समय मैं तुझे तेरी दुश्मन नजर आ रही थी। मैंने तुझसे कितनी रिक्वेस्ट की थी, कितना कितना कहा था, तेरे आगे पीछे घूमती रहती थी कि बता दे कौन है, इतनी जल्दी तो उसको कैसे भूल गई। तूने तो कहा था तू अब से बहुत प्यार करती है, हैं? मैं पागलों की तरह तेरे आगे पीछे घूम घूम के यही सब पूछ रही थी और तू मुझे पागल बनाए जा रही थी। समय भी सोच ली थी कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो श्रुति मैडम फोन रखिए, मैं नहीं हूँ आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड, और मुझसे तो उम्मीद भी मत करना कि मैं आंटी से कोई झूठ बोलने वाली हूँ। नहीं बोलूँगी, और तेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। प्लीज़ ना निशा यार, गलती हो गई यार, ऐसे एक गलती की सज़ा कोई इतनी बड़ी थोड़ी ना देता है यार। गलती हो गई, माफ़ कर दे प्लीज़। देखो वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और उनका मेरे से मिलने का बहुत मन कर रहा है, मेरा भी उन्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। अभी कल ही देखा था तुमने एक दूसरे को। हाँ तो क्या हुआ, प्यार करते हैं ना, प्यार में तो डेली देखो तब भी कम लगता है। प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। नो प्लीज़, नहीं मैं तेरी हेल्प नहीं करूँगी। मैं तो उससे नाराज़ हूँ, तूने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मुझे एटलीस्ट तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तू मुझसे बातें छुपाएगी, लेकिन तूने छुपाई है ना, तो अब अपने आप मैनेज कर। मैं नहीं जानती तुझे यार, अब इतनी भी कठोर मत बन। मैं कोई कठोर नहीं बन रही, तूने मुझे हर्ट किया है तो मैं हर्ट हुई हूँ, तो इसकी सज़ा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। पक्का? हाँ पक्का। नहीं करेगी हेल्प? नहीं करूँगी, प्लीज़ मान जा प्लीज़। मेरा वेट कर रहे हैं, सुबह से घर से निकले हुए हैं, पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं खाया होगा। मैंने अपने हाथ से उनके फेवरेट डिश बनाई है, प्लीज़ ना प्लीज़। यार तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ तो मैं अकेली तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी ना, तू भी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन तूने मुझसे हर एक बात छुपाई। आज जब तुझे ज़रूरत है तब तुझे याद आ रही है मेरी। मुझे एटलीस्ट तुझसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कभी श्रुति, तूने मुझे बहुत रट किया है, बहुत ज़्यादा। आई एम रियली सॉरी। नहीं करूँगी हेल्प, रख फोन, बाय। ये कह के निशा फ़ोन कट कर देती है। अब श्रुति के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो सोचती अब क्या करूँ मैं, कैसे जाऊँ। तो कमरे में इधर उधर टहल रही होती है, सोच रही होती है, दिमाग पर जोर डाल रही होती है। तो थोड़ी देर में उसकी माँ आती है, करीब 15-20 मिनट बाद, कहती है तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, फ़ोन नहीं लग रहा तुम्हारा। कहती है मम्मा फ़ोन तो यही है। फ़ोन कैसे नहीं लग रहा, और कौन फ़ोन कर रहा है, आप यहाँ पे हो तो मुझे कौन फ़ोन करेगा। जाओ तैयार हो जाओ। क्यों, इसलिए? मुझे नहीं जाना कहीं, मैं तुम्हें कहीं लेके भी नहीं जा रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरे साथ कहीं नहीं जाना होता, तो क्यों तैयार हो जाऊँ। निशा का कॉल आया था। हाँ वो थोड़ी देर में आ रही है, उसके साथ उसके मॉम के घर जाना है। तुम्हें उसकी मॉम ने तुम्हें भी बुलाया है और उसे भी,
शायद उनके घर में कुछ फंक्शन है, कुछ है, तो जाओ तैयार हो जाओ। वो आ रही है थोड़ी देर में। जी मम्मा, होती हूँ तैयार। और श्रुति बहुत खुश हो जाती है। उसकी मम्मा जाती है, वो झाँक के देखती है कि कहीं की नहीं तो जा चुकी होती हैं। तो वो कॉल करती है निशा को, निशा उसका फ़ोन कट करती है, तो फिर से कॉल करती है, कहती क्या है अब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तू भूल गई होगी कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं कभी नहीं भूली, और ना ही मैंने कभी चाहे कि तुम और अक्ष अलग हो जाओ। मैंने तो हमेशा से चाहे कि तुम और अक्ष एक साथ रहो। तो वैसे भी तुझे पता है ना मैं जीजू को कितना पसंद करती हूँ। कहती हाँ हाँ पता है। अरे तुझे जलन नहीं हुई, तुझे गुस्सा नहीं आया? नहीं, अब मैं वैसी नहीं रही। ओहो क्या बात है, मतलब रंग चढ़ चुका है तुझ पे जीजू का। हाँ एनीवे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तूने मम्मी से क्या फंक्शन बोला है अपने घर में, और तूने मम्मी पापा को इनवाइट नहीं किया? तो कहती है नहीं, मैंने बोल दिया था हम मेरे कज़न का बर्थडे है, तो हम बस कज़न कज़न जा रहे हैं, और मेरी फ्रेंड है और उनके फ्रेंड्स हैं। तो तू फटाफट तैयार हो, मैं 15-20 मिनट में घर पहुँच रही हूँ, तो मेरे साथ निकल आना। कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कहती है लेकिन अगर मम्मी को शक हो गया तो? तो कहती है कि ये पप्पियाँ झप्पियाँ ना जाके अपने बॉयफ्रेंड को देना, मुझे नहीं समझ में आया। और जो है कोई शक वक नहीं होगा, क्योंकि आंटी अंकल को पता है कि मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ और तेरी इन चीज़ों में बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगी। और अब तुझे हेल्प चाहिए तो बता, और नहीं चाहिए तो फ़ोन रख, मैं चली अपनी क्लास अटेंड। अरे नहीं चाहिए 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 चाहिए, आ जा आ जा आ जा। और ये ना ये पप्पियाँ झप्पियाँ आज के बाद मुझे देना मत, मैं बता रही हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है ना, नहीं दे रही तू आ जा। हाँ ठीक है आती हूँ। तो देखते हो आगे क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।